सो हे गाइस, व्हाट इज़ अप गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ 60K के अंदर इंटेल का i5 3600K वाला एक PC बिल्ड, जिसमें आप लोगों को मिलेगी 650 वाट की पावर सप्लाई, 80 प्लस ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई, और आप लोगों को मिलने वाला है इंटेल का i5 13 जनरेशन वाला प्रोसेसर। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा जो कंपोनेंट है वो है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर के लिए मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, i5 13600K प्रोसेसर हम लोग यूज़ करेंगे। 31800 इसकी MRP है। अभी ये MRP जो है और भी डाउन चलेगी जाएगी थोड़े टाइम के बाद। टोटल कोर्स आप लोगों को मिल रही है 14, परफॉर्मेंस कोर आप लोगों को मिल रही है 6, एफिशिएंसी कोर आप लोगों को मिल रही है 8। तो टोटल थ्रेड हो जाएगी 20 थ्रेड्स वाला ये प्रोसेसर होने वाला है इंटेल का i5। तो 5.10 GHz की मैक्स आप लोगों को फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है। 181 वाट जो है ये मैक्सिमम टर्बो पावर ले सकता है, 125 वाट इसकी बेस पावर है। तो ये DDR5 और DDR4 दोनों रैम्स को स्लॉट सपोर्ट करता है। इंटेल के UHD ग्राफिक 770 इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा ये प्रोसेसर होने वाला है। तो जो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है वो है मदरबोर्ड। तो 13 जन के जो मदरबोर्ड है वो काफ़ी कॉस्टली है, तो इसलिए हम लोग जो है 12 जन के मदरबोर्ड को ही इसमें यूज़ करेंगे। 12 जन के मदरबोर्ड भी 13 जन को सपोर्ट करते हैं। आप लोगों को सिर्फ एक बायोस अपडेट की ज़रूरत पड़ेगी। शॉपकीपर भी आप लोगों के लिए बायोस अपडेट करके दे देगा अगर आप लोग शॉप से परचेज़ करें। तो ये है हमारा मदरबोर्ड जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, गीगाबाइट B660 मदरबोर्ड। काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है विद 4 रैम स्लॉट। तो आप लोगों को 12661 में आप लोगों को ये जो है मदरबोर्ड मिल जाएगा। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो होने वाला हमारा कैबिनेट। तो कैबिनेट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एंटी स्पोर्ट की तरफ से आने वाला 200B 8 RGB मिड टावर कैबिनेट। तो ये कैबिनेट जो है आप लोगों को 4 ARGB फैंस प्री इंस्टॉल्ड देता है। तो पूरा पैसा आप लोगों का वसूल हो जाएगा। 3450 में आप लोगों को 4 ARGB फैंस भी मिल रहे हैं विद आप लोगों को PSU श्राउड और काफ़ी अच्छा RGB लुकिंग फैन। तो 3450 रुपये में आप लोगों को ये मिल रहा है। तो जो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट होने वाला है वो है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई के लिए मैंने आप लोगों के लिए दो ऑप्शंस निकाल के रखी हैं। एक तो आप लोग एनटेक की तरफ से 650 वाट की 80 प्लस ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी पावर सप्लाई है सिल्वर स्टोन की तरफ से आने वाली। तो ये दो पावर सप्लाई है, आप लोग इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। दोनों पावर सप्लाई 80 प्लस ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है, ठीक है। दोनों पावर सप्लाई के प्राइस जो है वो सिमिलर है, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो पहले जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है हमारा फ़ैन। तो इसमें जो है आउट ऑफ द बॉक्स आप लोगों को कोई भी फ़ैन नहीं मिल रहा, आप लोगों को अलग से CPU फ़ैन में ख़रीदना पड़ेगा। तो 1299 में ये काफ़ी एक अच्छा फ़ैन है CPU के लिए। LGA 1200 सॉकेट को ये सपोर्ट करता है, LGA 1700 सॉकेट को ये सपोर्ट करता है। आप लोग इसे 13 जन में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग पुराना वाला मदरबोर्ड यूज़ करने वाले हैं। तो काफ़ी बजट में रहने पे काफ़ी अच्छा एक जो है कूलिंग फ़ैन है ये, तो आप लोग इसे यूज़ कर लेना। तो जो नेक्स्ट है वो है हमारी रैम। तो रैम के लिए पहले मैं 8GB रेकमेंड करने वाला था, लेकिन जो है जब मैंने चेक किया तो B660 की प्राइस थोड़ी सी डाउन चलेगी थी, इसलिए मैंने अभी आप लोगों को जो है 16GB रैम जो है रिकमेंड कर दी है। क्योंकि आप लोग फ्यूचर में ग्राफिक्स कार्ड या कंटेंट क्रिएशन जैसा अगर आप लोग काम करें तो आप लोग कोई भी बॉटलनेक रैम की वजह से देखने को ना मिले। सिंपली आप लोगों को एक ग्राफिक्स कार्ड डालिए और आप लोगों का ये गेमिंग PC कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं 3835 रुपये में अब हमें ये रैम जो है देखने को मिल रही है, ठीक है। इस काफ़ी अच्छी रैम है 3200 MHz XPG की तरफ से। तो नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है हमारी SSD। अभी के लिए आप लोग मिनिमम 500 GB की SSD यूज़ कर लें। ये एक आंटी स्पोर्ट की तरफ से आने वाली 512 GB की SSD है, 2765 इसकी MRP है। तो ये जो है आप लोगों को 1100 और 600 MB रीड एंड राइट स्पीड देख को मिल जाएगी। तो जो हमारा ये बिल्ड है वो है कंप्लीट हो चुका है। और अभी आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप लोग 60K में ये बिल्ड आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, ये रही प्राइसिंग, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग अगर ग्राफिक्स कार्ड ऐड करें तो आप लोग 40K में कोई भी ग्राफिक्स कार्ड ऐड करके इसमें 40K में आप लोग कोई भी ग्राफिक्स कार्ड ऐड कर लें और आप लोग इजीली 1 लाख में अपना जो है गेमिंग PC प्लस गेमिंग प्लस स्ट्रीमिंग प्लस एडिटिंग सारी तरह का वर्कलोड करने वाला PC आप लोग बना सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, 3060 की प्राइस भी काफ़ी कम हो चुकी है लॉकडाउन के मुकाबले। तो अभी जो प्राइसिंग है 3060 की वो अराउंड 32,000 चल रही है। आप लोग जो है 3060 को पेयर कर सकते हैं इसके साथ और आप लोगों का 1 लाख के अंदर आप लोग अपना पूरा PC जो है कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग ये ले सकते हैं Acer का मॉनिटर, 21 इंच का Acer का मॉनिटर है 6299 रुपये का। आप लोग का 1 लाख के अंदर आप लोग का PC पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर आप लोग करना चाहें तो। ये जो नॉलेज है मैंने इसी में समअप कर दी, क्योंकि अगर किसी को चाहिए होगा 1 लाख में भी कंप्लीट करना 13 जन की, ज़्यादा वीडियोज़ नहीं आई है बिल्ड की, तो आप लोग 13 जन का जो है फुल एक PC बिल्ड 1 लाख के अंदर कर सकते हैं विद मॉनिटर कीबोर्ड माउस। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, ठीक है गाइस। तो चैनल को लाइक
चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक जरूर कर दिया करें गाइस। अगर आप लोग देख रहे हैं तो यही मेरी बेनती है कि चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, आप लोग उसमें अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जब भी मुझे वक्त लगेगा मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। एज सून एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई यू। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो।